पूर्वोत्तर राज्य असम में आई विनाशकारी बाढ़ इस बार बहुत ज़्यादा खतरनाक थी, बहुत ज़्यादा भयावह थी। और इस वक्त हम तिलपुकरी का इलाका है, ये बोनगाई गांव ज़िला है, और जहां पर हम खड़े हैं ये एक रिलीफ कैंप है। लेकिन कमाल की बात यह है कि ये रिलीफ कैंप जो है ये मदरसे में है। ये पीछे आप बोर्ड देख सकते हैं, तिलपुकरी जो ये मदरसा है, इस मदरसे के अंदर यहाँ पर कैंप बनाया गया है। और इस कैंप में जितने लोगों को रखा गया है ये सारे के सारे यहाँ के स्थानीय हिंदू हैं। ये वो लोग हैं जिनके घर बार जो हैं सब खेत सब बह गए बाढ़ में, और इतना खतरनाक वो खतरनाक धार थी पानी की नदी के सब कुछ बहाती हुई ले गई। लोग अपना कुछ सामान ला भी नहीं पाए, जान बचाकर किसी तरह से लोगों ने सुरक्षित स्थानों पर जो है जाना बेहतर समझा, और अपनी आँखों के सामने अपने घरों को बहते हुए देखा नदी में, ज़मीनों को खेतों को ज़मीनों को काटती हुई चली गई नदी। और ऐसी भयावह स्थिति हुई कि आनन फानन में जिस तरह से जिस हालत में थे लोग उसी हालत में वो वहाँ से भागे। और अब यहाँ पर इस कैंप में आपको मैं दिखाऊंगा, ये बोर्ड भी लगा हुआ है। इस बोर्ड के पहले आपको मैं बता देता हूँ कि इस कैंप में कुल मिलाकर 468 लोग हैं, जिसमें पुरुषों की संख्या 179 है, महिलाएं जो हैं 165 हैं, बच्चे हैं इसमें 124, और इसमें एक गर्भवती महिला भी हैं और एक विकलांग भी हैं जो यहाँ पर जिनको रखा गया है। ये मदरसा है, आप देख सकते हैं कि राहत सामग्री रखी हुई है, चूड़ा रखा हुआ है, कुछ बिस्किट हैं, पानी है पाउच में, ये यहाँ के लोगों के लिए, क्योंकि अब इनका कोई घर बार है नहीं, अब ये कहाँ जाएंगे, कहाँ से इनका खाना चलेगा, ये अभी एक बड़ा सवाल उठता है। यहाँ पे इंचार्ज भी हैं जो इस मदरसे के यहाँ पर। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम सिराजुद्दीन सरकार। थोड़ा सा मुझे थोड़ा घुमा के दिखाइए कि ये क्या हो रहा है, कहाँ पे कहाँ रहने का कैसा इंतजाम हो रहा है, थोड़ा सा चल के दिखाइए। कितने, ये तो देखा हमने बोर्ड में कि काफी लोग हैं, 468 लोगों को मैनेज करना तो काफी मुश्किल काम है। पहले ये रूम है जी, ये क्या है? नहीं इधर ही रुक जाइए जी, क्या है इसमें? यहाँ पे आदमी रहा है। हाँ आदमी रहा है। अच्छा ये एक नंबर रूम है। अच्छा एक नंबर रूम है। पहले साइकिल स्टैंड था हमको। अच्छा मदरसे का साइकिल स्टैंड, साइकिल स्टैंड था। तो अब रहने का इंतजाम कर रहे हैं। थोड़ा सा इधर चल के दिखाई। अच्छा यहाँ पे एक ये देखिए बड़ा वो है, बच्चे के झूलने के, ये एक झूला है बच्चे का, इसमें खिलौना भी। किसका है ये? ये किसका है? कहाँ बच्चा कहाँ है? छोटा है, कहाँ है बच्चा? तो अभी गोद में है। तो ये बाद में आए या फिर वहीं से लेकर आए थे? घर से लेके आया। घर से लेके आया। घर से लेकर आए थे क्या? अच्छा जब जिस वक्त में क्या हुआ था, अचानक बारिश अचानक तेज हो गया था, पानी क्या अच्छा तेज हो गया, तो ये निकालने का मौका मिला? मौका थोड़ा मिला, थोड़ा मौका मिला, बाद में लेके आया। और क्या लाए साथ में? साथ में कुछ नहीं आया, कुछ और नहीं लाए। नहीं तो ये भावना से जुड़ा हुआ है छोटे बच्चे का। ये पहला बच्चा है आपका? नहीं दो नंबर है, दूसरा बच्चा है। तो ये भावनाओं से जुड़ा हुआ था ये झूला, ये उस बाढ़ में जब मकान बहा इनका तो ये झूला अपने साथ लेकर आए। इसमें ये खिलौना भी था पहले से लगा हुआ, खिलौना भी पहले थे। ये देखिए ये उल्टा लटका हुआ जो है बंदर, ये औरतें हंस रही हैं। ये तो ये रहने का रूम है, ये छोटा सा। क्या इंतजाम है नीचे बिछा कर, या ट्रिपोलिन की शीट प्लास्टिक की? क्या दिया है आप लोगों ने? प्लास्टिक का दिया है, गवर्नमेंट से दिया है, गवर्नमेंट ने दिया है। हाँ गवर्नमेंट दिया है रहने के लिए। ये क्लासरूम है वैसे? ये क्लासरूम है स्कूल का जी। इसमें 35 आदमी रहते हैं। 35 लोग रहते हैं? 35 लोग यहाँ रहे, इस रूम में रहते हैं। इस रूम में 35 लोग रह पाते हैं? 35-40। अब यहाँ देखिए कि ये महिलाएं हैं यहाँ पर, इनसे बात थोड़ा सा, चूंकि ये भाषा तो जानती नहीं है हिंदी, तो थोड़ा सा मदद कीजिए कि कुछ बताएं लोग। बताइए क्या कैसे आप लोग, रात में पानी आया था, दिन में पानी आया था, कब पानी आया था? गल्प पानी कहाँ से आया था, कोथाय थेके जल एसेछिलो?
নদীটা কি করে আসলো বাড়ি বাড়ি ছিল বাড়িটা বাড়িটা ভাঙলো বাড়ি ভাঙলো জলের ধারে ভাঙছে হ্যাঁ হ্যাঁ জলের ধারে রাতে বেলায় নদীয়ে ভাঙছে রাতে বেলায় নদীয়ে ভাঙছে ভুটানের থেকে জলটা ছাড় দিছে ওই কারণে বাড়ি ঘরটা ভাঙিছে ये कह रही है कि भूटान से पानी को छोड़ा गया क्योंकि ये भूटान से बॉर्डर लगा हुआ है अंतरराष्ट्रीय बॉर्डर है और ये नदी ब्रह्मपुत्र जो है वो वहीं से आती है तो ये कह रही हैं कि वहाँ से पानी अचानक छोड़ा गया और इनको पता भी नहीं था तो তারপরে কি হয়েছিল হঠাৎ কি করে জানলে জানলাম তখনকার ফোনাফোনি হয়েছে বাজারে থেকে লোকে ফোনাফোনি করছে তখনকার আমরা ঘুরা দেন বাড়িটা ভাঙা অবস্থায় তখনকার আমরা পারুয়ে বাচ্চা কাচ্চা নিয়ে পারুয়ে টানে আসছি আপনার নাম কি আমার নাম সুনতি সরকার সুনতি বতা রহি হ্যায় কি ফোন সে লোগো নে বতায়া বাজার কে লোগো নে বতায়া সবকো অ্যালার্ট কিয়া মোবাইল ফোনো সে লোক তব উসকে বাদ আপনা সামান লেকার ভাগ কর নিকলে কোনো জিনিসপত্র নিয়ে এসছো এমনি পালিয়ে গিয়েছিল না না অল্প খেতা খাবারের টুকলা টুকলি কি আনছি পোলা পানের খাদ্য যত চাল টাল হংলা লিয়ে আইছি আর জিনিসপাতি যে সবগুলা নদীতে তো না কত গেছে আর কত তুল বার করছে নদীতে সব দিছি 10 12 বিঘা মাটি সব গেছে বাড়ি ঘর 10 12 বিঘা জমিন তিন কি ও ভি মিটি মে জো হে ও পানি লে গিয়া ভাকার আব ইনকে পাস কুছ ভি নি হে কিছু আছে বাড়ি আছে বাড়ি আর কিছু নাই জমি আছে জমি আছে এখানে সব নদীতে জমিন ভি থি ও ভি নদী মে সব নদীতে ঘর ভি থা ও ভি নদী মে এখন তো থাক মো হেউ জো নাই এখন এই যে ক্যাম্পে রয়েছি ক্যাম্পে থেকে এখন যে কোনে দাঁড়ামো খেদে দিলেন থেকে আমাকে দাঁড়ানোর শক্তি নাই এখন কি ব্যবস্থা করবেন আপনারা তাই করবেন अब ये मुझसे कह रही है कि कुछ इंतजाम कीजिए आप ही कीजिए क्योंकि इनके पास और कुछ नहीं है अब ये कहाँ जाएंगे इनको कुछ पता नहीं है सरकार इंतजाम सरकार ने किया है यहाँ पर सिर्फ रहने का इंतजाम किया है अब इनका आगे क्या होगा कुछ ऐसा कुछ पता चल रहा है आपको आगे यहाँ पे इन लोग 19 तारीख में आया हाँ 19 तारीख आने के बाद सरकारी तरफ से सब कुछ जोगान धरिया सुगान दिया तो ऐसे ही चला रहे हैं हम ये मदरसा है लेकिन यहाँ सब हिंदू हैं जो रह रहे हैं हाँ ये सब लोग 100% हिंदू हैं तो ये मदरसे वाले क्या बंद करके रखा उन्होंने कहा रह रहे हैं दीजिए अभी यहाँ पे पढ़ाई नहीं हाँ दीजिए हाँ दीजिए अलाउ कर दिया अलाउ कर दिया ठीक है तो ये बताइए कि क्या क्या लेकर आए माँ आप लोग की कितनी जमीन थी দুই নম্বর বাসবাড়ি মাতা হরি ভাঙ্গে এরকম বাড়ি ঘর ভেঙে গেছে বাচ্চা কাছে কোন জায়গায় যাচ্ছে ঘর নেই বাড়ি নেই ক্যাম্পে আমরা আছি আমাদেরকে কোন জায়গায় অনুরোধ করে কই হেমন্ত বিশ্ব মোদী সরকার কই আমাকে আশ্রয় দে কোন জায়গায় তো চাষবাস করে খেতে না কিছু নাই খালি বাড়ি বেটাটা ছিল নদীতে গেছে হাজিরা করে খায় मजदूरी करके हाजरा का मतलब होता है कि मजदूरी करके अपना पेट चलाते थे घर था उसमें रहते थे वो भी बह गया कौन तो बच्चा कितने बच्चे हैं दो बच्चे हैं आपके हस्बैंड क्या करते वो भी मजदूरी करते हैं हाजरा करते तो ये कितने दिन से चल रहा है आप बता सकते हैं कि ये जो नदी का बहाव है ये लगातार तो लोगों के घर टूट रहे हैं ये सिलसिला कब से चल रहा है ये पहले एक साल पहले से एक साल पहले से ऐसा हो नदी टूटना तो हमेशा हर साल बाढ़ में या रिलीफ कैंप में आते हैं लोग रिलीफ कैंप में हाँ पहले इन लोग गिरकाबारी में था हाँ उसके बाद यहाँ पे आया अच्छा यहाँ पे खाना वाना कहाँ बनाने का इंतजाम है किचन है हमारा तो लोग सब मदद करते हैं लोग सारे लोग मिलके सब मिलके बनाते हैं कोई अलग सब मिलके अलग अलग नहीं यहाँ पे सब मिलकर एक ही साथ खाना बनाया और खाया अच्छा तो तीन टाइम का खाना बनता है नाश्ता हाँ तीन टाइम दोपहर का बच्चे बच्चे के लिए खिचड़ी है हाँ, बच्चों के लिए हाँ, बच्चे के लिए बिस्कुट दिया है बच्चे के लिए दूध दिया गवर्नमेंट से और यहाँ एक ही साथ सब लोग ने खाना खाया ये किचन है नहीं नहीं किचन यहाँ पे है किचन यहाँ है हाँ ये किचन है ये है किचन अभी क्या बन रहा है इसमें अभी भात बन रहा है भात बन रहा है और दाल दाल लगभग दाल बना रहा है लगभग 500 लोगों का खाना बनाना भी अपने आप में बड़ा काम है नहीं बहुत बड़ा काम है एक एक शादी के जैसा होता है कि 500 लोगों का खाना तीन टाइम बनाना हाँ हाँ यही ऐसे हो और ये सब सरकार दे रही है सरकार दे रही है ये सब सरकारी तो यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं कि ये किचन है ये मदरसा है थोड़ा यह देखते हैं कि अंदर क्या हो रहा है आवाज़ें आ रही बच्चे खेल रहे हैं
ये है, ये क्लासरूम है जिसको ये कन्वर्ट किया गया है रहने की जगह पे। अब ये लोग कहाँ जाएंगे? क्या अब तो जिस तरह से नदी आ रही है इधर, आइए बात करते हुए चलते हैं आगे, जिस तरह से नदी आगे बढ़ती हुई आ रही है, ये भी आपको लगता है कि बचेगा या इसमें भी आ जाएगा पानी कभी? ये लोग जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है, हाँ इनके कोई भी जमीन नहीं है, हाँ सब नदी गिर लिया, तो इसलिए हम ऐसे यहाँ पे रहेगा। सरकार ने किया क्या, हाँ हम नहीं जाने, सरकारी तरफ से इनको कई व्यवस्था करने के लिए हम आपको ये कह रहे हैं कि अब यहाँ पर लोगों के पास जाने के लिए अब कोई जगह नहीं है, यहाँ से निकल के जाने के लिए कोई दूसरी जगह नहीं है, तो कहाँ जाएंगे अभी तक कुछ मालूम नहीं है। यहाँ से निकल के कहाँ जाएंगे कुछ मालूम है? कहाँ जाएंगे यहाँ से? घर तो है नहीं, अब तो घर बह गया, किधर जाए, कोथा जाबे, कोथा जाबो, हमारे तो बासा बारी कौन नहीं है, कत दिन दूरे के थकबे, कत दिन थकबो, हम करे बासा बारी लागे दे हम करे आवित, तो इनको पता नहीं है कि कब तक रहेंगे यहाँ, तुम्ही बोलो কতদিন এখানে থাকবে, কোথায় যাবে, কোথায় বাড়ি, তো অন্য কোনো বাড়ি আছে? নাই অন্য কোনো নাই, দূসরা কোই ঘর নেই, আমি উনসে পুছা তো কোই দূসরা ঘর হ্যায়, তো ইয়ে কে রে রে কোই দূসরা ঘর নেই হ্যায়, তো আব ক্যা করেঙ্গে, কোন কাহা জায়গা আবি, হ্যাঁ কাহা জায়েঙ্গে, ক্যা করেঙ্গে, সরকার যদি লেগে উদারই জায়গা, কিতনে দিন তক রহেঙ্গে, তো হামেশা রহনে দেগা নেই, নেই দেগা, তো ফির ইসকে বাদ, ইসকে বাদ ক্যা করেঙ্গে, ধরে নেই, গত বাড়ি আমাকে বাড়ি ভাঙছে তেজ ঘরে, তার বাদে এইবার 50-60 ঘর ভাঙছে, তাহলে আমরা কি অবস্থায় থাকি? গভর্নমেন্ট আমাকে কিছু সবের ব্যবস্থা করতেছে না। তো আপ আপকা অর ভি ঘর থা পেলে, ফির ও ভি চলা গিয়া, ফির দুসরা ঘর বনা, ও ভি চলা গিয়া, যাতে আমাকে ধরেন সবারই মাটি জমা নাই, সকলের গভর্নমেন্ট থেকে আমাকে যাতে দান করে, এই আমাকে অনুরোধ। দেখেন এই যে এখানে একটা পাখা নাই, কি অবস্থায় আমি দুর্ঘটনার আসি গরমের মধ্যে, হ্যাঁ বহুত উমস আপ দেখ সকতে হ্যায় কি পুরো পসিনা জো হ্যায় চল রহা হ্যায় বহুত উমস হ্যায় লেকিন পাখা নাই হ্যায় ইয়াহ পর কে রহে না, পাখা নাই হ্যায়, এটা নাই নাই হ্যায় ইসমে পাখা, ইয়ে পরেশানি হ্যায় লোগো কো, অর ইয়ে আপ দেখ সকতে হ্যায় কি ইয়ে ক্যাম্প হ্যায় লেকিন আবি জসা কে কাহা কে আবি তো চুকে ঘর বহ গয়ে, আবি খেত বহ গয়ে, মনসুন ভি আ রহা হ্যায়, বারিশ আয়েগি, ফির ক্যা হোগা কিসি কো পতা নাই, लेकिन उसके बाद क्या होगा, उसके बाद फिर ये लोग कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे, कहाँ इनका ठिकाना होगा, कहाँ इन्हें बसाया जाएगा, ये तो अभी किसी को कुछ मालूम नहीं है और ना ही प्रशासनिक अधिकारी कुछ बताने की स्थिति में भी है। लेकिन अच्छी बात यह है कि जब देश में धर्म के नाम पर आपस में बहस चल रही है, वहीं पर यहाँ पर एक ये मिसाल है सामने, ये जो मदरसा है यहाँ पर, जो रहने वाले, जो शरण लेने वाले, जो यहाँ पर अपना जो है सब कुछ खोकर यहाँ पर आकर बसने वाले, उनके लिए मदरसे ने अपने दरवाजे खोल दिए और वो लोग यहाँ रह रहे हैं, और मदरसे के लोगों का कहना है कि जब तक के वो यहाँ रहेंगे तब तक रह सकते हैं, लेकिन पता नहीं वो कब तक रह पाएंगे। सलमान रावी, BBC, बनगाए गाँव, असम।